नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल तक न्यूज। यूपी में देख सकते हैं इतनी समय बहुत तेजी से वायरल चल रहा है ज्योति मौर्या आलोक मौर्या के बारे में। इसमें क्या सही है क्या गलत है? हमारे लोग दो टीचर हैं, इनसे बातचीत करते हैं, देखते हैं इन लोगों का क्या कहना है। सुनने में भी आ रहा है कि कुछ लोग अपनी पत्नी को जो तैयारी करने के लिए भेजे थे बुला लिए हैं। इसमें क्या हकीकत है या गलत है, आइए इनसे बात करते हैं। सर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पूर्वांचल न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद पूर्वांचल न्यूज। सर जी, सुनने में आ रहा है ज्योति मौर्या जो है एसडीएम बनने के बाद एक सफाई कर्मी आलोक मौर्या को छोड़ दी, क्या आलोक मौर्या को सफाई कर्मी कहकर उनका कद छोटा ना किया जाए तो अच्छा है। इस समाज में जहाँ लोग अपने भाई को नहीं पढ़ा रहे हैं, बहन बेटियों को नहीं पढ़ा रहे हैं, पर शादी होने के बाद अपनी पत्नी जो श्रीमती इतना सम्मान लायक उनका काम नहीं है, लेकिन मैं अपनी जुबान क्यों गंदी करूं? ज्योति मौर्या जी को इतनी मेहनत से, इतने परिश्रम से वह व्यक्ति इनको पढ़ाया लिखाया, ये सफलता अलग बात है कि सफलता आप पा गई, तो इसका मतलब कि आपको जो पढ़ाया लिखा है आप अपने माँ बाप को भूल जाइए, आप अपने भाई बहन को भूल जाइए, आप अपने पति को भूल जाइए, इसका मतलब ये हुआ। क्या कहेंगे ज्योति मौर्या को लेके? ज्योति मौर्या से कहेंगे कि आप इतने बड़े अच्छे पोस्ट पर बैठी है, आप इस भारत की संस्कृति या सभ्यता को नाश कर रही है, आपके अंदर अगर थोड़ी सी शर्म बची हो तो आपको अपने पति से माफी मांगनी चाहिए, चैनल पर आकर के माफी मांगनी चाहिए, और देश को और समाज को एक नया संदेश, नया पैगाम देना चाहिए ताकि परिवार लोगों का टूटे ना। इस समाज में परिवार से ही समाज बनता है। जी जी। ऐसे ही परिवार टूटेगा कोई और देखेगा, कोई और महिला उसको देख के प्रोत्साहित होगी, कोई पुरुष देखता है ऐसा काम करेगा। सुनने में भी आ रहा है जो पुरुष वाली बात की है, सुनने में भी आ रहा है कि जो लोग भी तैयारी करवाने के लिए अपनी पत्नी को भेजे थे वो वापिस करवा ले, क्या क्या बिल्कुल सही है, लेकिन ये नहीं कि तालाब में मछली गंदी हो जाए तो सारी मछलियां जो सड़ गई, लेकिन हमारे कुछ मित्र इलाहाबाद तैयारी करते हैं। अच्छा, आप उन लोगों से हमारी बात मजाकिया लहजे से बताया, ये सच है कि यहाँ से लोगों का विश्वास उठ गया है, अपनी पत्नियों को लोग घर ले जा रहे हैं। हकीकत क्या है ये तो मैं देखा नहीं, लेकिन मेरे मित्रों ने खुद मुझसे कहा और मुझे तरस आया, लोगों ने कहा कि नहीं अभी तमाम डिबेट देखिए, तमाम लोग ऐसा कर रहे हैं। समाज में क्या संदेश जाएगा इसको लेकर? नहीं, समाज में संदेश तो बुरा जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि एक महिला, अरे देश सीता सावित्री और पूलन देवी और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का देश है, मिथिला फूले का देश है, ऐसा नहीं कि सारी जो नारियां ऐसे काम कर रही हैं। सर जी, आलोक मौर्या जी हैं जो कि सफाई करने का काम कर रहे थे, उनके तरफ से आप बोल रहे हैं कि ज्योति मौर्या की तरफ से बोल रहे हैं? किसी के तरफ समाज में आलोचना जैसा जो किया है, ना तो ज्योति मौर्या मेरी कोई करीबी है, ना तो आलोक मौर्या जी करीबी है, लेकिन ये सोशल मीडिया के न्यूज चैनलों के माध्यम से जो जानकारियाँ मिल रही है, समाज में भद्दगी फैल रही है और कष्ट। जो लोग अपनी पत्नी को बुला लिए हैं उनको क्या कहेंगे आप? नहीं, ऐसे साथियों से मैं अपील करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि ऐसा न करें, सारी पत्नियां ऐसी नहीं है, सारी की सारी ज्योति मौर्या नहीं हो जाएंगी, ऐसा गलत है, उन्हें पढ़ने का मौका दिया जाए, महिलाएं भी बाबा साहब के संविधान में उनको भी जगह है, नारी शक्ति का पूरा सम्मान होना चाहिए, आदि आबादी का हमारा नेतृत्व करती है, एक ज्योति मौर्या को लेकर के पूरी महिला समाज को गलत ठहराना एक कतई क्षम्य नहीं है, मैं इसका विरोध करता हूँ। हमारे साथ एक और सर जी हैं, इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम रहेगा सर जी आपका? ज्योति मौर्या को लेकर क्या कहेंगे आप, ये बताइए। देखिए सर, जैसा कि समाज बहुत सारी चीजें, हालांकि सुनने में जो घटनाएं सामने आ रही है वो जितने भी धारा किसमें कोई दो नहीं, जैसे हम और आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं, घर में चावल सबसे बनता होगा, महिलाएं जब चावल को बनाने जाती हैं तो उसमें से कंकड़ को निकालती हैं, कंकड़ निकाल चावल में से देखा जाता है कि कितना चावल से, तो घटना तो हृदय विदार है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन एक ज्योति मौर्या की वजह से पूरे स्त्री समाज के अगर हम लोग खाने खेती हो सकता है। अभी आपको हम बता दें उदाहरण के लिए, तो उसी के समकक्ष एक ऐसी भी महिला को दिखाया गया जो अपने पति की वजह से नौकरी को ठोकर मार के अपने पति के साथ, वो तो महिला ही है,
तो एक महिला की वजह से सब महिलाओं का जेल चला गया, जबकि वो जो हमारे देश का सबसे टफेस्ट एग्जाम होता है यूपीएससी, उसको क्वालिफाई करके वो क्या नाम है गई थी, लेकिन उसके उसने क्या किया, नौकरी को छोड़ना पसंद किया लेकिन अपने पति के साथ। तो ये घटनाएं होती रहती हैं। यकीनन ये अगर एक पुरुष की दृष्टि से देखा जाए तो जिस आज तक उसने पढ़ाया है, जिस मुकाम पर पहुंचा है, ज्योति मौर्य को सदैव देना चाहिए, उसको एक ऐसा मिसाल देना चाहिए कि भविष्य में और भी पुरुष आकर के स्त्रियों को आगे बढ़ाने का काम। हमने एक ब्रेकर का काम तो किया लेकिन पूरा पूर्ण स्टाफ लगा देंगे ऐसा नहीं होता, और हम एक घटना की वजह से पूरे स्त्री समाज को कम लेकर देता हूँ। क्या कहेंगे स्त्री समाज को जो लोग पढ़ना चाहते हैं, देखिए हमको सबसे पहले आप स्त्री समाज के बारे में पुरुष समाज का संदेश देना चाहेंगे, चाहे हमारे बड़े भाई अगर आप ऐसा तो एक एग्जाम्पल देंगे मेरे भाई, मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ एक एग्जाम्पल की वजह से आपको वापस, एक एग्जाम्पल आप नौकरी छोड़ दी अपने पति के साथ, छोटी महिला हर एक महिला एनडीएम पंचायत लोग पहुंचे तो छोटी महिला, दो अलग अलग घटनाएं हैं, एक पति के फेवर में एक पति के फेवर में नहीं, एक घटना लेकर के हम एक वर्ग सर जी लोगों को साफ तौर से कहना है कि ये ज्योति मौर्य के चलते किसी का जिंदगी बर्बाद ना हो, ये इन लोगों का संदेश है, और आप लोगों से मेरे भी तरफ से एक संदेश है कि आप लोग बिल्कुल ऐसा न करें कि ज्योति मौर्य कर सकती है तो आपकी पत्नी भी कर सकती है, ऐसा बिल्कुल न करें। आप देख रहे थे पूर्वांचल कर्मी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।